वीडियो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2009 का सॉल्व पेपर। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस पेपर में। पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंसी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अल्टर्ड एवरी ईयर। तो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हर मंथ बदली जाती है। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, कोरस फ्रॉम वेयर द सैटेलाइट्स आर लॉन्च इन। कोरस है एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि है फ्रेंच गुयाना के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर एट सी लेवल वन एटमोसफेयर प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मरकरी। सी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, When it is 12 noon in Allahabad, तो जब 12 बज रहे हों दोपहर के अलाहाबाद में, तो the time in Tokyo would be about, तो टोक्यो में क्या टाइम होगा। देखो इंडिया का जो टाइम जोन है वो GMT से 5.5 घंटे एडवांस एहेड है, या कह सकते हो तो टोक्यो का 9 घंटे एहेड है। तो इसका मतलब अब हमें को 3.5 घंटे और जोड़ लें अलाहाबाद में, तो अपने को टोक्यो को टाइम जोन मिल जाएगा। तो 12 के अंदर 3.5 जोड़ोगे तो 2:30 इज द राइट आंसर, सॉरी 3:30 PM इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच अमंग द फॉलोइंग आर द साउदर्न मोस्ट हिल। साउदर्न मोस्ट हिल कौन से हैं, इनमें से साउदर्न मोस्ट हिल हैं कार्डोमम हिल्स इज द साउदर्न मोस्ट हिल्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट सिटी। तो इन चारों में से वेस्टर्न मोस्ट सिटी के बारे में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है झांसी। ग्रेट बैरियर रीफ इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ, ये सिचुएटेड है अलोंग द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर एट्थ, यहाँ पे ये सेंचुरीज दे रखी हैं और उनको मैच करना है। बेतार कानिका ये जो सेंचुरी है ये मिलेगी अपने को उड़ीसा में। कौन दपुर ये सेंचुरी मिलती है अपने को कर्नाटक के अंदर। वेम बनाड मिलती है केरला के अंदर। कोरिंगा मिलती है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कोड के अनुसार ये हो गया सही आंसर इसका, ए इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेक्स कॉमन बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा मतलब स्टेट से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो है असम। ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं वो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। और इससे एक कंट्री भी लगती है जो भूटान। क्वेश्चन नंबर टेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे ये ऑयल फील्ड दे रखे हैं और कंट्री दे रखी है, इनमें से पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सी पे अल्क्वेक जो दे रखी है ये ऑयल फील्ड, ये करेक्टली मैच नहीं है, ये ईरान में नहीं सऊदी अरब के अंदर है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। तो इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ अर्थ है 6380 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सबसे लंबी कॉन्टीन्यूअस माउंटेन रेंज है एंडीज पर्वत की, जो आंसर ऑप्शन बी में गिवन है। द एंडीज जो कि ये पर्वत श्रृंखला पाई जाती है साउथ अमेरिका के अंदर, ये इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 7000 किलोमीटर्स। और हिमालय की लेंथ की लंबाई की बात करें तो यह है 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, दुर्गापुरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो दुर्गापुरा किस नदी के किनारे बसा है, वह है दामोदर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 15, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड अर्लीस्ट। सबसे पहले इनमें से कौन सा इवेंट अकर हुआ, तो वो वहाँ स्वदेशी मूवमेंट जो जिसके जिसके उसके बाद वह पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में,
और दिल्ली की राजधानी शिफ्ट हुई 1911 के अंदर, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 के अंदर, और खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1920 के अंदर। तो ये सारे इवेंट और कर उनके टाइम भी बता दिया कब अकर हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, हु फाउंडेड द इंडियन लीग इन लंदन? तो इंडियन लीग की स्थापना की थी वीके कृष्णन मेनन ने। ही वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन लीग फ्रॉम 1929 टू 1947। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर कॉइन्ड द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया था? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, द इमीडिएट कॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वॉज? स्वदेशी मूवमेंट के इमीडिएट कॉज क्या थे? तो इनके जो इमीडिएट कॉज थे, इनकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो बी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग द इंडियन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल? तो सबसे देश व्यापी हड़ताल कौन सी थी? वो थी इनमें प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ये कंसिडर की जाती है द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल वाज ऑन अप्रैल 6, 1919 के अंदर, और जलियांवाला बाग मैसेकर फॉल उसके हुआ था अप्रैल 13 के अंदर, उसके 7 दिनों बाद ही। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज पेपर वंदे मातरम? तो वंदे मातरम समाचार पत्र का को स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया गया था बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, मैच बुक्स दे रखी है और ऑथर दे रखे हैं, इनको मैच करना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो ए का है फोर्थ, और बी जो गीता रहस्य, ये लिखा गया है बाल गंगाधर जी तिलक के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया फेमस बुक है ये, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। थर्ड द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी गई है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डैम दे रखे हैं और यहाँ पे लिस्ट टू में स्टेट दे रखे हैं, कौन सा डैम कौन से स्टेट में है ये बताना है। तो मलप्रभा, ये डैम सिचुएटेड है कर्नाटका के अंदर। पनामा डैम है, ये जो डैम है वो सिचुएटेड है गुजरात के अंदर। और फू चंपड़ ये जो डैम है वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। अपर पैन गंगा, ये जो डैम है वो है महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, ये प्लेयर्स के नाम दे रखे हैं, उनके उनके सामने उनके खेल दे रखा है। अभिजीत गुप्ता, हाँ ये चेस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो ये पहला वाला मैच प्लेयर सही है। तो इनमें से बताना करेक्टली मैच प्लेयर कौन से हैं। तो 1 एंड 3 तो आर द करेक्टली मैच प्लेयर। तो गगन नारंग इज नॉट ए वेट लिफ्टर, ही इज ए शूटर। तो सेकेंड ऑप्शन तो गलत है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पे 1 एंड 3 इज द ओनली द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग, इनमें से बताना है एसिटिक एसिड, एस्क्रोबिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फोलिक एसिड, विच ऑफ द अबव आर विटामिन? इनमें से विटामिन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी की एस्क्रोबिक एसिड एंड फोलिक एसिड आर विटामिन। एस्क्रोबिक एसिड इज अ नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के दूसरा नाम ही एस्क्रोबिक एसिड ही है। और फोलिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ बी ग्रुप ऑफ विटामिन, तो इसलिए एस्क्रोबिक एसिड और फोलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ विटामिन। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज देश बंधु? इनमें से देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? वो है चित्तरंजन दास जी, इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हु ऑफ द फॉलोइंग रिजाइन एज चीफ, सॉरी हु ऑफ द फॉलोइंग रिजाइन एज डिफेंस मिनिस्टर इन द वेक ऑफ इंडिया चाइना वॉर इन 1962? तो इनमें से 19 भारत चीन के युद्ध के समय में किसने डिफेंस मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया था? ये थे वीके कृष्ण मेनन साहब। क्वेश्चन नंबर 27, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग सेटअप ज्ञान प्रकाश मंडली सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज फॉर द एजुकेशन ऑफ एडल्ट मैन फ्लॉक? तो ये किसने गठित किया था? एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा देख लें, अभी भी नहीं आया।
ये किया था विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप ज्ञान प्रकाश मंडली फॉर द एजुकेशन अडल्ट मैन फॉर, तो ये किया था दादा भाई नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत विभाजन के समय में कांग्रेस के प्रेजिडेंट कौन थे, तो वो थे आचार्य जे पी कृपलानी जी। प्रतापी सीतारमैया वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट सेशन, और इनके बाद प्रतापी सीतारमैया को इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेजिडेंट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस सक्सेडिंग आचार्य कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 29, हु द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगर रेड शर्ट मूवमेंट, तो इसका फाउंडर कौन था खुदाई खिदमतगर रेड शर्ट मूवमेंट का, तो ये थे खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग, इनको कंसिडर करना है बनाना ग्रेप्स और रोज को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोपोगेटेड बाई वेजिटेटिव मेथड, तो वेजिटेटिव मेथड के द्वारा किसकी मतलब प्लांटेशन होती हैं, तो वो है इन तीनों की होती है बनाना रोज और ग्रेप्स, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। वेजिटेटिव प्रोसेस प्रोगेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट अराइज विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पर्स, रोज इज वन सच कॉमन प्लांट विच इज रेज बाय स्टेम कटिंग, तो ये स्टेम कटिंग मेथड से आगे इनको ही पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेल्थ विद द सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कमेटी वो बनाई थी बलवंत राय मेहता कमेटी थी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो है राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल दैट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर वन थर्ड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, तो वो अमेंडमेंट था 108th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 108वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 34, मशरूम क्या है, मशरूम एक प्रकार की फंगे है, एक फंगस है प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो फोटोसिंथेसिस में और क्या प्रोड्यूस होता है, तो वो प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑल एंजाइम्स आर एक्चुअली दे आर एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर्ड एंड इज रिलेटेड इज रिलीज्ड व्हेन शॉर्टेज अकर्स, तो वो है स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केयर्स, ये है फ्लोरिन। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होने का कारण है, तो वो है मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस काला अजर भी प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन अमंग द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन द नर्व फाइबर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए, तो वो है सोडियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज मोस्ट प्रिमिटिव, तो इनमें से इवोल्यूशन पॉइंट से सबसे पहले कौन सा हुआ था, वो हुआ था स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 42, सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ एंड एक्सट्रैक्टेड बाय, इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय स्लेवरी ग्लैंड ऑफ लार्वल सिल्क मूथ। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडीज एग्जिप्टी, तो
इनमें से कौन सा एडीज मच्छर के द्वारा रोग नहीं फैलाया जाता है? तो वो नहीं फैलाया जाता है चिकन पॉक्स के अलावा, जितने भी हैं चिकनगुनिया, डेंगू है और येलो फीवर है, ये सारे मच्छर के काटने से ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप? तो एशिया की सबसे पहली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप की गई थी कांडला के अंदर, जो कि गुजरात में है, जिसका अभी रिसेंटली नाम भी चेंज कर दिया गया है। द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एट कांडला वाज सेटअप इन 1965। दिस वॉज फॉलोड बाय, उसके बाद मुंबई में हुआ, फिर नोएडा में हुआ, फलता में हुआ, कोच्चि में, चेन्नई में, और उसके बाद विशाखापट्टनम में 1989 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, उर्गवे राउंड इज मेंशन इन द कंटेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो उर्गवे राउंड का जो संशोधन निकला उसकी वजह से अपने को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ऑफ ए स्टेट को कंजिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स, बट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज 32 मेंबर्स? तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि विधानसभा के लिए कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 500 मेंबर होने चाहिए, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर 32 मेंबर ही है? तो वो स्टेट है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 47, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ ओपेक? तो इनमें से ओपेक का मेंबर कौन था? ओपेक की फुल फॉर्म होती है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो 2009 तक इंडोनेशिया ओपेक का एक मेंबर था, और ये 2009 का सॉल्ट पेपर ही है, इसीलिए उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था, दैट्स वाई इंडोनेशिया इज द मेंबर ऑफ ओपेक टिल 2009। क्वेश्चन नंबर 50, अंडर द हुज डायरेक्ट सुपरविजन इज द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर? तो लोकसभा सचिव जो होता है किसके अंडर सुपरविजन में आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 51, इफ द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा? जो जो वार्षिक जो बजट होता है अगर पास नहीं हो लोकसभा से, तो इसका अर्थ होगा कि प्राइम मिनिस्टर को रिजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा कैबिनेट को। तो द प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रिजिग्नेशन ऑफ हिज कैबिनेट, सरकार गिर जाएगी, इसका अर्थ ये होगा। क्वेश्चन नंबर 52, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? तो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में? तो वो है टोटल 12 मेंबर्स, बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एक्वायर्ड बाय टाटा स्टील इन द रिसेंट पास्ट? तो इनमें से क्या एक्वायर किया गया स्टील पास, वो है कोरस। व्हाट इज द नेम ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसीज फ्राइटर्स डिजाइन टू रीसप्लाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विथ प्रेशराइज्ड कार्गो वाटर एयर एंड एक्सेट्रा? तो स्पेस क्राफ्ट का नाम बोल दो, क्या नाम है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी को फ्यूल और ये वाटर सप्लाई के लिए डेवलप किया है? तो उसका नाम है जूलस वर्नी, जूलस वर्नी। क्वेश्चन 55, इन विच रीजन इज द दौलत बाग ओल्डी एयरबेस? तो दौलत बाग ओल्डी एयरबेस किस रीजन में है? तो वो रीजन है लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56, इन द रिसेंट पास्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम टू हैव लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट प्लेन पावर्ड बाय हाइड्रोजन सेल बैटरी? तो फर्स्ट प्लेन जो जिसको पावर मिलेगी हाइड्रोजन सेल बैटरी से, वो डेवलप किया है बोइंग कंपनी ने, इट इज़ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 57, लैरी पेजेस एंड सर्गी ब्रिन आर वेल नोन एज दे आर वेल नोन एज फाउंडर ऑफ गूगल? ये गूगल के फाउंडर हैं, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो करेक्ट सीक्वेंस है डाई एटम्स, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग। तो डाई एटम्स क्या होते हैं? डाई एटम्स आर द ऑटोट्रॉप्स, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे प्लांट बनाते हैं।
क्रस्टेशियन आर हर्बीवोरस एनिमल्स एंड हेरिंग आर कार्निवोरस एनिमल्स, दस वन ईटिंग द अदर कंप्लीट द फूड चेन। तो डाई आइटम्स तो वो प्लांट्स के जैसे होते हैं जो खुद बनाते हैं, और क्रस्टेशियंस आर द हर्बीवोरस एंड हेरिंग आर द कार्निवोरस एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वॉज गिवन टू द कपल कृष्णमल जगन्नाथ एंड शंकर लिंगम जगन्नाथन रिसेंटली। तो उनको ये जो इनाम दिया गया है वो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 60, फॉर प्लेइंग विच वन ऑफ द गेम्स इज फ्रैंक्स रिबर्स वेल नोन। फ्रैंक रिबर्स एक अच्छे खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2009 के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू थम्स अप एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।